ये जो पेड़ है ये हमारे घर पे था पहले, इनके रूट्स है, ये नीचे से फिर से ऊपर आते हैं। सो गाइस, उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि गणपति विसर्जन कहाँ पे होता है, तो वो तो रात को था, अब तो आपको कुछ पता नहीं चला, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो दिन का भी एक सीन यहाँ पे शूट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ ये कितना खूबसूरत है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो ये ऐसे कुछ दिखता है। ये जो सामने जो है दैट इज़ ऐरोली, और इसी सिर्फ खाड़ी है बीच में, उस तरफ ऐरोली है। और ये जगह मेरे बिल्डिंग के पीछे है, बस 100 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर से कम डिस्टेंस है। तो आप सोच समझ सकते हो कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कितनी शांति होगी। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पे शेड बना है बैठने के लिए, दोनों तरफ देख सकते हो, काफी ब्यूटीफुल है, काफी खूबसूरत है। पता नहीं यार बंदा क्यों हॉर्न मार रहा है, वो कुत्ता तो चुपचाप था, थोड़ा पीछे खड़ा करता था, क्या तकलीफ थी इसको। आप ये देख सकते हो, ये झाड़ है ना, ये मेरे घर का है जो मैंने यहाँ पे लगाया। बंदा बहुत परेशान लग रहा है क्योंकि बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है फ़ोन पे। तो चलो, हाँ तो मैं जैसे कह रहा था, ये जो पेड़ है ये हमारे घर पे था पहले पॉट में, तो लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया तो मैंने यहाँ पे आके लगाया। तो हम देखेंगे ये कैसा बड़ा होता है, तो इसका जो भी डेवलपमेंट है हम आपको टाइम टाइम पर बताते रहेंगे। आप देख सकते हो इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप सोचो कि कहाँ ही मैं रहता हूँ। स्काई भी काफ़ी क्लियर है आज। और ये जो है मतलब ये जो कंपाउंड के उस तरफ ये मैंग्रोव्स है, ये खारे पानी में मतलब समुंदर वाले जो साइड में जो क्रीक्स होते हैं ना, ये क्रीक्स में ये आते हैं, और इनके रूट्स है ना ऊपर की तरफ आते हैं, मतलब ज़मीन में जाते हैं ना तो वैसे ही ऊपर भी आते हैं ये। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक जाके, आप देख सकते हो इनके रूट्स है, ये नीचे से फिर से ऊपर आते हैं। देख सकते हो आप ये कितना घना है, काफी घना है ये। तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं मासी के घर पे। मासी के घर पे गौरी होती है। अगर मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र का कल्चर, महाराष्ट्र में गणपति गौरी साथ में आते हैं, मतलब साथ में मतलब एग्जैक्टली साथ में नहीं आते, गणपति आने के तीसरे दिन गौरी माता आती है और इसकी पूजा दो दिन चलती है, तो कल इसका पूजा हो गया, आज इसका विसर्जन है। तो मेरी मासी के घर पे गौरी होती है, तो अभी हम यहाँ से वहीं पर जाएँगे। तो गाइस यहाँ पर ये मेन गेट है, यहाँ से गणेश जी को लाया जाता है अंदर, और फिर ये जो टेबल्स लगाए हैं यहाँ पे इनकी पूजा होती है, मतलब आरती होती है, उसके बाद ये विसर्जन होता है। आप देख सकते हो काफी अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, तो काम होगा अभी तो। और ये जो सामने ये स्टेज है, यहाँ से इन लोग मॉनिटर करते हैं पूरा मोमेंट, यहाँ से ये मॉनिटर करते हैं इसका मोमेंट, और पुलिस भी यहीं पे बैठती है ये ऊपर, तो अच्छा खासा सिक्योरिटी का प्रबंध है यहाँ पे। ये पानी का है यहाँ पे, ये जनरेटर है, और एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ी सब रहता है यहाँ पे। और यहाँ से बस 50 मीटर पे मेरा घर है, तो आई एम लकी टू बी स्टेइंग हियर। और ये यहाँ पे ये एम्फी थिएटर है बनाया है,
इसका अभी भी इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, इसके लिए बंद है, लेकिन आप देख सकते हो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो लोकल्स को शाम को, सुबह को मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी सारी जगह चीज़ें यहाँ पे जो इनॉग्रेट नहीं हुई, जैसे इस पर अभी देखिए आप प्लास्टिक लगाया, आगे भी है ना बहुत सारे कुछ लगाया, ये मतलब लगाए हैं स्टैचूज वगैरह जिन पे प्लास्टिक लगा हुआ है, जैसे ये है, ये बहुत जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है एंड दिस इज विल बी डन बाई मोस्ट प्रॉब्ली द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो इसी वार्ड से पढ़ते हैं, मतलब इसी वार्ड से वो जीते थे, तो ऐसे ही कुछ है। आप देखिए यहाँ पे भी और कुछ स्टैचूज है जो कवर्ड है जिसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, तो बहुत जल्दी मैं थाने ईस्ट का एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब थाने ईस्ट में भी ऐसे जगह छोटी है लेकिन काफ़ी सारी जगह है जो देखने लायक है, फूड जॉइंट्स वगैरह, तो इसी टॉपिक पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। 2000 years later तो गाइस आज हम फिर से आ गए हैं, जैसे मैंने सुबह कहा था आज गौरी विसर्जन है, मतलब 7 दिन के गणपति और गौरी साथ में जाते हैं, तो यहाँ का मैंने नज़ारा आपको सुबह दिखाया था, काफ़ी खुला खुला था, अभी आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। और भी ये भीड़ बढ़ेगी जैसे टाइम जाएगा, अभी मैं मेरी फैमिली कहाँ पे एग्जैक्टली ढूंढ रहा हूँ। देख सकते हो ये इतनी खूबसूरत है, तो गाइस ये गौरी की मूर्ति भी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है, मतलब जैसे मैंने कहा था यही विशेषता है थाने गोलेवाड़ा की गौरी जो पूरे ह्यूमन साइज की होती है। मोरिया लौकरिया घेऊन या, धरणी धराय से द्यावे, धरणी धराय से द्यावे, सर्वा भूति लीन वावे, सर्वा भूति लीन वावे, तुझ शरण 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 आलो पतित मी जाण, पतित जाण आलो पतित मी। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, विसर्जन हो चुका है और अभी हम घर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आपको मालूम है क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, गौरी माते की जय।